लगी और भगवान ने कथा सुनाई, कही कथा सुहाई मात बजाई। हमारे अयोध्या के ठाकुर प्रकट होते तो पहले कथा सुनाते हैं, मैया को कथा सुनाई। क्या कथा बताई? बोले आपने तप किया था, पिताजी ने तप किया था, इसलिए हम बेटा बन करके आए। मैया ने कहा बेटा बन करके आए हो तो बेटा जैसे बन जाओ, बाप जैसे दिख रहे हो, कौन मानेगा कि आप बेटा हो, आप तो जगत पिता हो। तो भगवान मैया के कहने पर बालक बन गए। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभ। और जब बालक के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, दास दासी सब दौड़ पड़े महाराज। सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम से ये आई सब जाने। सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम से ये आई सब जाने। हरित जहत धाई दासी, आनंद मगन सकल पुर वासी। हरित आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। चारों तरफ से दास दासी दौड़ते हुए आ गए। दशरथ जी महाराज को जब पता चला तो दशरथ जी बड़े आनंदित हुए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मा नंद समाना। तब तक दासी ने आकर के सूचना दी, महारानी केकई ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब तो ये सुनकर दशरथ जी महाराज और आनंदित हुए, दो दो पुत्र का जन्म। इस आनंद को दशरथ जी संभाल पाते तब तक एक दासी दौड़ती हुई आई। उसने कहा महारानी सुमित्रा ने सुंदर दो दो पुत्रों को जन्म दिया। चार चार पुत्रों के जन्म का समाचार सुन करके दशरथ जी के आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और दशरथ जी उठ करके कहने लगे, अरे बाजा बजाने वाले आओ, गीत गाने वाले आओ, उत्सव मनाओ। परम आनंद पूरी मन राजा, कहां बुलाए बजावो। दशरथ जी ने कहा बाजे बजाने वाले आओ, गीत गाने वाले आओ, उत्सव मनाओ। खजाना खोल दिया, मोहरे लुटने लगी और अयोध्या की गलियों में बधाई बजने लगी। आगने में बधैया बाजे, आगने में बधैया बाजे, आगने में बधैया बाजे, आगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया
लगा।